हेलो बच्चों, सो बेटा लेट सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज H2S इज अ टॉक्सिक गैस यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 मोलाइल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ KH। तो हमारे को क्या निकालना है, KH निकालना है और मेरे को बोला है कि भाई सॉल्युबिलिटी H2S की है 0.195 मोलाइल। अब देखो बेटा KH का अगर मैं यूनिट देखूं तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस बार में दे रखे हैं, मतलब हमारी जो कहानी चल रही होगी हेनरीज लॉ की वो इस फॉर्म में चल रही होगी कि भाई प्रेशर P equals to KH into X, where X is the mole fraction, वो इस फॉर्म में चल रही है। अब इससे अगर आप KH का यूनिट निकालोगे तो हमारा प्रेशर के यूनिट के बराबर ही बनता है। कैसे भाई, KH हो जाएगा P by X, प्रेशर का यूनिट होता है एटमोसफेयर या बार, तो हम उसको इन्होंने बार की फॉर्म में दे रखा है तो बार रख लीजिए, और मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस तो हमारा KH का यूनिट भी बार ही आ जाएगा। तो मतलब इस फॉर्म में ही बात चल रही है, तो आप कोई टेंशन नहीं, इस पे ही हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। अब मोल फ्रैक्शन भी किसका होगा, ये होगा H2S का, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। अब देखिए बेटा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यहां पर प्रेशर भी नहीं दे रखा, ठीक है, तो बेटा इन्होंने क्या कर रखा है, STP की कंडीशन बोल के आपको प्रेशर पहले से बता दिया गया है। अब STP पर हम प्रेशर 1 बार मान के चलते हैं, 1 बार या अप्रोक्सीमेटली 1 atm, दोनों एक ही चीज है। तो STP पर आप 1 बार और 1 atm आप प्रेशर मान के चलते हैं। STP क्या होता है, जहां पे टेम्परेचर 273 केल्विन होता है और प्रेशर 1 बार या 1 atm होता है। तो प्रेशर उन्होंने दे रखा है, बस उन्होंने एक फॉर्मेट के अंदर दे रखा है, रादर देन गिविंग पूरी वैल्यू उन्होंने एक चीज बोल दी ताकि उनको पता लग पाए कि आपको STP की चीज पता भी है या नहीं है कि STP क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने रख दिया 1 equals KH into मोल फ्रैक्शन, अब आ गया H2S। तो अब हमारी कहानी है कि भाई मोल फ्रैक्शन H2S का निकालो और H2S का मोल फ्रैक्शन निकाल के यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है और हमको आंसर देना है। अब देखिए बेटा, मैं H2S का मोल फ्रैक्शन अगले पेज पर निकाल रहा हूं, मेरे को बेटा 0.195 मोलाइल सॉल्यूशन दे रखा है। 0.195 को अगर मैं डीकोड करूं तो ये हो जाएगा 0.195 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे ही बोला जाएगा। और ये सॉल्यूट कौन है, ये सॉल्यूट H2S है हमारा, कौन है, H2S। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S हो जाएगा बेटा, दिस विल बी मोल्स ऑफ H2S अपॉन मोल्स ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कौन है यहां पर, पानी, क्योंकि पानी के अंदर देख रहे हैं, तो दिस विल बी मोल्स ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ पानी, ठीक है। सो यहां से देखें बेटा H2S के मोल्स कितने हैं, 0.195 डिवाइडेड बाय 0.195 प्लस, बेटा 1 kg सॉल्वेंट है, मतलब H2O 1 kg है हमारे पास, तो इसके मोल्स कैसे निकलेंगे, दिस विल बी 1000 बाय 18। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.195 ओवर 0.195 और 1000 बाय 18, तो आप सब जानते ही होंगे ये होता है 55.55। सो मैं इसको बोल सकता हूँ 0.195 अपॉन 55.7 अप्रोक्सीमेटली हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन किसका, H2S का आ गया, ठीक है। तो बस डाल दीजिए यहां पर, ये हो जाएगा 1 equals to KH into मोल फ्रैक्शन आया हमारे पास 0.195 अपॉन कितना 55.7, ठीक है, 55.7 के आसपास ये वैल्यू बनती है। अप्रोक्सीमेशन में ही बता रहा हूं बेटा, यहां पर KH हो जाएगा 55.7 ओवर 0.195। सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारा कुछ आंसर बनता है 282 बार अप्रोक्सीमेटली। सो दिस इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर डी। सो दिस इज द आंसर, सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।